दोस्तों पंजाब के कपूरथला से बेहद ही दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आ रही है। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारे अकाल बुग्गा में गुरुवार सुबह पुलिस और निहंग सिखों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में पीसीआर में तैनात एक होमगार्ड जवान जसपाल सिंह की मौत हो गई। वहीं डीएसपी भूतल समेत 10 पुलिस वाले भी घायल हो गए। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत बलबीर सिंह सीचेवाला घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं। तीन घायल पुलिस कर्मियों को गुरमीत सिंह, सुखदेव सिंह और अशोक कुमार को सुल्तानपुर लोधी सिविल अस्पताल से कपूरथला के सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं मृतक की पहचान जसपाल सिंह निवासी गांव मनियाला के तौर पर हुई है। दोस्तों इसके बाद एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरविंदर सिंह ने बैठक ली। 3 घंटे की बैठक के बाद गुरुद्वारा साहिब में धारा 145 लागू कर दी गई। फिलहाल गुरुद्वारा साहिब जाने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए गए। आम जनता के भी उस तरफ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर घायल 3 निहंगों का उपचार डॉक्टर निर्भय सिंह की टीम ने किया। गुरुद्वारा साहिब में 3 हथियार भी रिकवर किए गए हैं। फिलहाल गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है। दोस्तों आप भी देखिए वायरल वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। उधर ना जाए उधर चल तू उधर फूड का ना इधर तो नहीं पड़ी।